Hello everyone, I'm here with the chapter 1st of history, class 8th, and the name of the chapter is the Indian Constitution. इस chapter में मैं आपको Indian Constitution के बारे में बताऊंगी. ये class 8th का civics का first chapter है. So let's start the chapter. In this chapter we are going to begin with football. इस चैप्टर में हम फुटबॉल से शुरुआत करते हैं. अ गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ, एक ऐसा गेम जिसके बारे में ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, योर इवन प्लेड या खेला होगा. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चलता है, दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. ये एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स के पैरों की ज़रूरत पड़ती है, फीट की ज़रूरत पड़ती है. According to the rules of football, football के नियमों के अनुसार, if the ball touches the arms of any player, अगर football किसी भी player के arms से touch होता है, except the goalkeeper, goalkeeper को छोड़ के, then this is considered a foul, तब इसे foul माना जाता है. So if players start holding the football in their hands, अगर प्लेयर्स अपने हाथों में फुटबॉल को लेना स्टार्ट कर दें एंड पासिंग इट अराउंड, और एक दूसरे को पास करना शुरू कर दें, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, तब इसका मतलब ये है कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. सिमिलरली अदर गेम्स, इसी तरह दूसरे गेम्स में भी, सच एज हॉकी और क्रिकेट, ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. इन सारे गेम्स में रूल होते हैं जिसको उसी के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम, और ये जो रूल्स होते हैं वो गेम को डिफाइन करने में मदद करते हैं. एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्यूज वन गेम फ्रॉम अनदर, और इससे ये भी मदद मिलती है कि किस तरीके से एक गेम दूसरे गेम से अलग है, इसमें भी हेल्प मिलती है. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, तो ये सारी चीज़ें गेम का फंडामेंटल हैं, मौलिक तत्व हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ गेम, हम ये भी कह सकते हैं कि ये गेम के संवैधानिक रूल हैं. लाइक दीज गेम्स, इन्हीं गेम्स की तरह सोसाइटी ऑल्सो हैड कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, ऐसी सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसके भी कुछ रूल हैं, संवैधानिक रूल हैं, दैट मेक इट वॉट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किस तरह से दूसरे सोसाइटी से अलग है, ये इसको इस तरीके से बनाता है. इन लार्ज सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सेंसस, एंड इन मॉडर्न कंट्रीज़ दिस कॉन्सेंसस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. चूँकि उस जगह पे ये जो रूल है वो कॉन्सेंसस का काम करते हैं, लेकिन मॉडर्न कंट्रीज़ में ये सिर्फ एक लिखी हुई बात है. अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये रूल्स पाए जाते हैं, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन. We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbook. हमने class 6 और 7th में इसको देखा है. Have you ever wondered why we need a constitution? You are being curious about how the constitution got written. क्या आपने कभी ये सोचा होगा या आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्यों हमें constitution की need है, क्यों हम इसके बारे में इतना उत्सुक हैं, curious means उत्सुक होना, या constitution क्यों लिखा गया, your who wrote it, और किसने लिखा. In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. इस chapter में हम इन सब के बारे में बातें करेंगे, discuss करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम Constitution के key features को भी देखेंगे. Each of these features is crucial to the working of democracy. सारे फीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में काम करने के लिए, जैसे कि इंडिया. एंड सेम ऑफ दीज विल बी फोकस्ड ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के डिफरेंट जो इस बुक के जो डिफरेंट चैप्टर हैं उसको भी फोकस करेगा ये. सो व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ अराइज, Why does a country need a constitution? एक ऐसा question arise होता है कि किसी भी country को constitution की ज़रूरत क्यों है. A constitution lays out certain ideals that forms the basis of kind of country that we as citizen aspire to live in. एक संविधान एक ऐसा खाका तैयार करता है कुछ सर्टेन आइडियल्स का, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, जिसमें कि
हम जो सिटीज़न हैं उसमें रहने की अभिलाषा करते हैं, इस तरह की कंट्री को बनाने में वो मदद करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर के बारे में भी बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंसिपल्स और रूल्स के थ्रू मदद करने की कोशिश करता है, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न, ताकि इस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो इस बात पे एग्री करते हों कि वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स दैट दे और बिलीव इन कंट्री शुड अपहोल्ड। चूँकि दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी शामिल है, एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, और उसके साथ ही साथ कुछ निश्चित आदर्शों का एग्रीमेंट भी है, जिसके कारण दे ऑल बिलीव, सारे जो पर्सन हैं या सिटीजन है कंट्री के, वो बिलीव करते हैं कि द कंट्री शुड अपहोल्ड, कि कंट्री को इन चीज़ों को बनाए रखना चाहिए। व्हेन नेपाल वॉज अ मोनार्की, जब नेपाल में राजतंत्र था, इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग, तो इसमें ये दिखता था कि सारी अथॉरिटी या पूरी पावर किंग के हाथ में ही है। आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू अ डेमोक्रेसी, और नेपाल के डेमोक्रेसी में बदलने के बाद, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, तो नेपाल के लिए एक नए संविधान को लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, जो लीडर होते हैं वो लोगों के बिहाफ पे अपने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करते हैं। वो लोग जो अपने लीडर्स को चुनते हैं वोट दे करके। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाई आवर पॉलिटिकल लीडर्स, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी रूल बनाए रखता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करें। अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप्स डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी प्ले करता है, जिसमें कि डेमोक्रेसी में वो इस बात को इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप किसी भी पर्सन को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को दबाए ना, या उसके खिलाफ कोई भी काम ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स ट्रैनी योर डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी रोकथाम करता है कि कोई भी डोमिनेट ग्रुप किसी भी माइनॉरिटी पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, या वो उनके हक से उनको वंचित ना रखे। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक एंड विच may have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. उसके साथ ही साथ constitution इन बातों की भी रक्षा करता है, करने में मदद करता है कि certain decision, कुछ ऐसे decisions that we might take and जो कि हमें लेने चाहिए, and which may have an adverse effect, जिसका कि कभी कभी विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। adverse means विपरीत होता है, विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है on the larger principle that the country believe in, देश के सिद्धांतों पे उसका इफेक्ट एडवर्सली पड़ सकता है, जिसमें कि लोगों का विश्वास है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी दशकों से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के स्ट्रगल में रहा है, एक्टिव रहा है। फेडरलिज्म रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन गवर्नमेंट ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल के अगर गवर्नमेंट होते हैं तो वो फेडरलिज्म कहलाता है। जैसे कि हमारे कंट्री में दो तरह के गवर्नमेंट है, इसलिए हमारा जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देयर इज़ एग्जांपल मींस वी हैव टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वन इज़ स्टेट गवर्नमेंट एंड अनदर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, मतलब एक हमारा यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का।
नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे सिटीजन को वोट देने का अधिकार दिया हुआ है. यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज वोट देने का अधिकार दिया हुआ है. दिस मीन्स पीपल हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब ये है कि पीपल्स के पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है, डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर हैं उनका विभाजन. देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. हमारे यहाँ स्टेट की थ्री ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर में हम इस बात को देखते हैं, जो लेजिस्लेचर का एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर. देन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो गवर्नमेंट, जो भी रूल कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो एग्जीक्यूटिव में आती है. एंड द जुडिशरी, जुडिशरी में मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीज आर जुडिशरीज. द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लेजिस्लेचर जो होता है वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रिफर्स करता है. द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ. और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कुछ लोगों का एक स्मॉल ग्रुप होता है और जो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को चलाने का. द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री. और उसके साथ ही साथ जुडिशरी जो है वो कंट्री के कोर्ट सिस्टम को रिफर्स करती है. फंडामेंटल राइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फंडामेंटल राइट्स आर रिफर्ड एज टू एज अ कॉन्शियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स आर रिफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस यानी कि विवेक है, उसकी अंतःकरण है. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिटरी एंड ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. और उसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट नागरिकों की सुरक्षा करता है किसी भी तरह की आर्बिटरी यानी कि मनमाने ढंग से काम करने से, वो अपने सिटीजन की सुरक्षा करता है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल. उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वो स्टेट यानी राज्य के और किसी भी दूसरे पर्सन के खिलाफ अपने आप को सेफ कर सकें या उनके अगेंस्ट उनको राइट मिलता है. देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स फंडामेंटल राइट हैं. फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन एज राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन एज राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और सेक्शन लगाया है या इंक्लूड किया है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इट इंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. और इसके साथ ही साथ ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को शो करता है एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट. और उसके साथ ही साथ ये इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है उसके गाइड के रूप में भी काम करता है. टू इंस्टीट्यूट लॉ, ताकि ये जो लॉ यानी कानून है उसको लागू कर सके. एंड पॉलिसीज़ को दैट हेल्प्स रिड्यूस द पावर्टी ऑफ द मासेस, ताकि लोगों में जो पावर्टी यानी गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो हेल्प हो सके. अ सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें कंट्री किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को या रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है. वो सारे ही इनडायरेक्टली वो सारे ही रिलीजन को प्रमोट करता है, बट अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाता. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द डिटेल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अधीर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस. द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेइंग आउट द आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ को बनाने में दैट वी शुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अधीर टू,
ताकि हम जो सिटीज़न हैं इंडिया के, हमें इसका पालन करना चाहिए, इंक्लूडिंग द रिस्पेक्टिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, और उसके साथ ही साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिनको हमने चूज़ किया है, उनको भी इस बात का पालन करना चाहिए. The fundamental rights in the Indian Constitution include, you can see these are the six fundamental rights, right to equality, all person are equal before the law, जितने भी सारे person हैं वो सब law के सामने equal हैं, this means that all person shall be equally protected by the laws of the country, इसका मतलब ये होता है कि सारे लोगों को equally यानी समानता के साथ सुरक्षित किया जाएगा. It also state ये भी कहता है that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसके religion के आधार पे, caste या sex के आधार पे discriminate यानी भेदभाव नहीं उसे की जाएगी. Every person has access to all public places, सारे persons, so by the law of country every person has access to all public places including playground, hotels, shops, etc. सारे लोगों को playground, hotels, shops हर जगह जाने की अनुमति है, छूट है. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment, और उसके साथ ही साथ state किसी को भी उसके employment के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करता. But these are exceptions to this that you will read about later in this book. लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं जो आप आगे इस बुक में पढ़ोगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन ऑबलाइज्ड, और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का भी उन्मूलन किया जा चुका है. सेकंड, राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का है एंड एक्सप्रेशन का है. यू कैन स्पीच, यू कैन एक्सप्रेस योर थिंग्स, योर वर्ड्स, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म द एसोसिएशन ऑल्सो, द राइट टू मूव फ्रीली एंड यू कैन मूव ऑल ओवर इन योर कंट्री विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी बाउंडेशन एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड यू कैन स्टे एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यू कैन चूज एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन योर बिजनेस. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण, शोषण के खिलाफ अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि उनको डोमेस्टिक वर्क में दे देना विदाउट उनकी इच्छा के, फोर्स्ड लेबर या उनको मजदूरी करने के लिए मजबूर करना, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और उसके साथ ही साथ 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट में ढकेलना. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइडेड है. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, सारे लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस के अनुसार अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रोपागेट यानी प्रचार प्रसार कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके साथ ही साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, जितने भी माइनॉरिटी या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक हैं, कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए या प्रमोट करने के लिए. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा जाता है. दिस ऑल अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाई द स्टेट, इसमें इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि अगर किसी भी सिटीजन को ये फील होता है कि नहीं, उनका जो फंडामेंटल राइट है उससे उनको वायलेट किया गया है, उनको वंचित किया गया है, तो वो कोर्ट की तरफ जा सकते हैं इस बात को लेकर के. यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंट्री का जो इतिहास रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको क्लियर करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज़ दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडहियर टू, और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जिसमें हम सिटीजन्स को
उसका पालन करना चाहिए, उसके जो आइडियल्स हैं उसको पालन करना चाहिए, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, और उसके साथ साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी इसका पालन करना है. जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल की गेम की तरह अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में चेंजिंग आती है तो वो पूरे गेम पर प्रभाव डालता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कॉन्सर्न ऑफ द पॉलिटी. उसके साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पिछले कई सालों से पॉलिटी को लेकर के अपना जो कंसर्न दिखाया है उसमें उसने अमेंडमेंट यानी कि सुधार भी कुछ किए हैं. ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री. इसका ये मीन्स होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो फंडामेंटल नेचर जो है कंट्री का उसमें भी चेंज है. वी सा दिस इन द केस ऑफ नेपाल, हमने इसको नेपाल के केस में देखा एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम अ डेमोक्रेसी. और हमने ये देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी. द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स हैं वो ऊपर बताए जा चुके हैं. इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, उसके साथ ही साथ क्या उसके कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ हैं वो भी बताए गए हैं. दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैप, जिसको कि ग्रहण करना बहुत ही ईजी नहीं है. डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है. इन द रेस्ट ऑफ बुक, आप आगे की बुक्स में एज वेल एज इन योर हायर क्लासेज, जैसे जैसे आप अपनी हायर क्लासेज में जाओगे, यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह के डिफरेंट फीचर्स को और पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सिस्टेंटली वॉट दे मीन, और उसके साथ आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे कि उनका कहने का मीन्स क्या है. थैंक यू.